वाबस्ता होती अगर प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम ने कभी इस बात का इतराफ किया होता कि यहाँ पे एक सियासी मसला है और उस सियासी मसले का हल ढूंढना लाजमी है। वो इस बात से इनकार कर रहे हैं जब से बने हैं, शायद एक बार उन्होंने एक लिप सर्विस दी है, उन्होंने कभी नहीं, 2016 में इतने हालात ख़राब हुए, इतनी हलाकतें हुई, तब भी उन्होंने नहीं माना कि ये एक सियासी मसला है। टनल कंसीव हुई थी चनानी नाशरी टनल, यूपीए गवर्नमेंट ने फंडिंग उन्होंने की थी, कंप्लीट अब हुई है। हमने तब भी बहुत इसमें जद्दोजहद की कि ये टनल बने, हमारी सरकार यहाँ थी और कामयाब हुए। तो ये कोई इनका प्रोजेक्ट तो है नहीं कि हम इनको मुबारकबाद दें, लेकिन वी वेलकम द प्राइम मिनिस्टर, ही इज कमिंग टू द स्टेट। और एक होप ये है कि कम अज़ कम अब वो इतने यहाँ पे जो इतना खून खराबा हुआ अभी हाल में ही, अब वो कम अज़ कम इस बात का एतराफ़ करें कि यहाँ एक सियासी मसला है और इकदाम उठाएं इस सियासी मसले को हल करने के लिए। जो कश्मीर में नई सूरत हाल उभरकर आ रही है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि उसमें हलाकतें भी यकीनन तौर पर हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहेगा मुस्तकबिल में इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्या पॉलिसी है? देखिए, इस सिचुएशन को अवॉइड, कंट्रोल से तो मैं बाहर बोलूँगा, जब आप कंट्रोल की बात करते हैं तो आप एक ऑपरेशनल बात करते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर से इसको दबाएंगे कैसे, इस सिचुएशन को प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, इस सिचुएशन को प्रिवेंट इस एक 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 मुत्तहिद एक सोच से किया जाएगा कि सियासी मसले को हल कीजिए, लोगों के साथ इंसाफ कीजिए, जो यहाँ पे अजायम हुए हैं उनको आप इंसाफ के तकाजों में लाइए और लोगों को इंसाफ दीजिए और सियासी मसले को हल कीजिए, ताकि ये मसला एक ही बार हल हो और यहाँ के जो नौजवान हैं उनको सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी पहल करने जा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार कहा सियासी मसले को हल कीजिए, हमारा एक मेथड ऑफ रेजोल्यूशन है जो हम प्रपोज करते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनमी, कोई और जमात कुछ और प्रपोज कर सकती है, हमारी पहल यही रहेगी कि हम बार बार ये डिमांड करेंगे कि आप लोगों से बात कीजिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बातचीत हो, दिल्ली और हुर्रियत में बातचीत हो, दिल्ली और बाकी स्टेक होल्डर्स में बातचीत हो, ये हमारी पहल रहेगी और हम बार बार कोशिश करेंगे कि हम डिमांड करते रहें कि ये एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो।